9 सेकंड में न्यूज में सबसे पहले बात स्वाति वालीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े सवालों। स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विभव कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की चार टीम। सूत्रों के मुताबिक अमृतसर थी आखिरी लोकेशन। शुक्रवार को मुंबई में केजरीवाल के साथ नहीं दिखे विभव कुमार। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया स्वाति का बयान। फॉरेंसिक टीम ने केजरीवाल के आवास पर पड़ताल की। पुलिस टीम ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन। घटना के वक्त सीएम आवास पर मौजूद लोगों से पूछताछ। स्वाति को भी मौके पर बुलाया गया। सीएम हाउस लाने वाली टैक्सी ड्राइवर, पुलिस स्टेशन ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर से भी सवाल। विभव कुमार का स्वाति मालीवाल पर अपशब्द कहने का आरोप। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। 13 मई को सीएम आवास की सुरक्षा में सेंध लगाने, जबरन घुसने और हंगामा करने का आरोप। राष्ट्रीय महिला आयोग ने फिर केजरीवाल को पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को भेजा नोटिस। शुक्रवार को हाजिर नहीं हुए थे विभव कुमार। आप नेता आतिशी का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए बीजेपी ने रची साजिश। स्वाति मालीवाल का किया गया इस्तेमाल। आतिशी ने कहा कि सीएम आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया, जिसमें सामने आई सच्चाई। वीडियो में साफ कि स्वाति मालीवाल के लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद। आप नेता का दावा। थाने गई स्वाति मालीवाल से पुलिस ने एमएलसी करवाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके 3 दिन बाद सामने आया बीजेपी का नया झूठ। संजय सिंह के बयान पर बोली आतिशी, खबरें देखने पर स्वाति से मिलने पहुंचे थे, तब उनके पास था केवल सिर्फ स्वाति मालीवाल का पक्ष, इसलिए उन्होंने कहा था विभव पर होगी कार्रवाई। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान, बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को सीएम आवास भेजा। वीडियो से साफ स्वाति विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ से कर रही हैं दुर्व्यवहार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा, 3 दिन पहले जब संजय सिंह ने बयान दिया तब कहा थी आतिशी, क्रिमिनल्स पर होनी चाहिए कार्रवाई। स्वाति ने एक्सपोस्ट पर कहा, एक गुंडे के दबाव में झुकी आप, अब उनके चरित्र पर सवाल उठा रही है। पार्टी में कल के आए नेताओं ने 20 साल पुराने कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। मुंबई में आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने कहा, तिल को ताल बनाया जा रहा, गलत दिखाया जा रहा। स्वाति के साथ हमारी संवेदना, लेकिन मामले को दिया जा रहा राजनीतिक रंग। स्वाति से बदसलूकी से मामले में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, एक महिला सांसद के साथ हुई मारपीट, लेकिन केजरीवाल और इंडिया अलायंस चुप, उनको नहीं सुनाई दे रही महिलाओं की चीख। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, स्वाति मालीवाल केस से साफ हुआ महिलाओं के प्रति कांग्रेस आप गठबंधन का नजरिया, वो सिर्फ कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ। आज 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा, कैसा रहेगा 5वें चरण के प्रचार का आखिरी दिन, वो भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 8 राज्यों की 49 सीट पर 5वें चरण के तहत 20 मई को होगा मतदान। यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7 सीट पर 5वें चरण के तहत वोटिंग होगी। बिहार और ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान। पीएम मोदी आज दिल्ली और हरियाणा में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 2:45 पर हरियाणा के अंबाला और शाम 5 बजे के करीब सोनीपत में सभा। शाम 6:30 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में करेंगे प्रचार। आज उत्तर प्रदेश में 2 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बांदा और झांसी में शाह करेंगे रैली। अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में पार्टी उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में रोड शो किया। 25 मई को लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर होगी वोटिंग। ओडिशा के राउरकेला सुंदरगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 4 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी 270 सीटें पार कर चुके हैं, हम 400 की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में करेंगे 2 चुनावी जनसभाएं। नूरपुर, चंबा और कुनिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज यूपी और दिल्ली में जनसभाएं। यूपी के बाराबंकी और दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज अमेठी रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे प्रियंका। दोपहर 12 बजे रायबरेली और दोपहर 3 बजे अमेठी में रोड शो। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम केजरीवाल। कई नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पुतिन की राह पर चल पड़े हैं पीएम, विपक्ष और विरोधी दलों के करा रहे हैं टुकड़े। मोदी जी देश में चाहते हैं वन नेशन वन लीडर। यूपी में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश। श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर में करेंगे रैली। शुक्रवार को एसपी उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा के लिए लखनऊ में अखिलेश यादव ने किया रोड शो। केडी सिंह बाबू स्टेडियम से गांधी प्रतिमा, हजरतगंज तक अखिलेश यादव ने रोड शो किया।
राजा भैया के समर्थन ने कौशाम्बी में एसपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज का किया समर्थन। पुष्पेंद्र के पिता इंद्रजीत सरोज पर मानहानि का मुकदमा भी राजा भैया ने वापस लिया। यूपी के गोंडा में चुनाव प्रचार करेंगे एसपी नेता डिंपल यादव। एसपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो। पांचवें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। लखनऊ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ऑफिस में मीडिया के सवालों का देंगे जवाब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।